दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल योर पर्सनल कंसल्टेंट में। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का क्लास 12 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एज अ प्राइवेट स्टूडेंट 2019 के बोर्ड एग्जाम का स्टार्ट हो गया है। मैंने वीडियो अपलोड की है, वहां से आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अगर मैं पास आउट हो जाऊंगा 2019 के बोर्ड एग्जाम एज अ प्राइवेट स्टूडेंट तो मार्कशीट वगैरह कैसे मिलती है, इस वीडियो में मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आपको बता दें ये इन्फॉर्मेशन आपको CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको जो मार्कशीट मिलेगी अगर आप ऐसा प्राइवेट स्टूडेंट 2019 के बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, पास आउट होने के बाद जो मार्कशीट आपको मिलेगी आपके घर पे आएगी। दो तरह से बात आप समझिए, ऑल इंडिया स्कीम होता है, एक दिल्ली स्कीम होता है। अगर आपने दिल्ली के अलावा एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है तो आपका मार्कशीट जो आपका रीजनल ऑफिस होगा, CBSE का रीजनल ऑफिस होगा जो आपका बिलोंग करता है, वहां से आपके घर पे स्पीड पोस्ट किया जाएगा। मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके घर में स्पीड पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये ऑल इंडिया स्कीम की बात कर रहा हूँ। जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली का एड्रेस प्रोवाइड किए हैं, उनका मार्कशीट सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सेंटर पे डिस्पैच किया जाएगा और वहाँ से आपका एग्जामिनेशन सेंटर में आपको एडमिट कार्ड दिखा के वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये रही दिल्ली वालों की बात। रीजनल ऑफिस दिल्ली से एग्जामिनेशन सेंटर भेजा जाएगा और एग्जामिनेशन सेंटर में आप एडमिट कार्ड दिखा के वहाँ से मार्कशीट कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि फॉर अ कैंडिडेट हु हैव गिवन देयर एड्रेस अदर देन दिल्ली और फॉर अ कैंडिडेट हु हैव गिवन देयर एड्रेस ऑफ दिल्ली। तो ये बात अब आपकी क्लियर हो गई होगी कि प्राइवेट स्टूडेंट को मार्कशीट सर्टिफिकेट कैसे मिलेगी। बाकी कुछ और आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।